नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बथुआ साग। बथुए का साग बनाने के लिए हमने बथुआ लिया है, फ्रेश बथुआ है। 6-7 बार इसको पानी से धो लिया और अभी हम काटेंगे। धीरे धीरे बिल्कुल बारीक बारीक काटना है इसको। बथुआ सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत से गुण होते हैं बथुए के अंदर। और ये खेत में लगा हुआ फ्रेश बथुआ है, ये देखिए। 10-12 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1/2 इंच अदरक ली है और कुछ मूंगफली डालकर हम कूट लेते हैं इनको। 3-4 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है, 1/2 चम्मच साबुत धनिया, 1/2 चम्मच जीरा डाला है और अभी हम इसके अंदर कूटा हुआ हमारा लहसुन, अदरक और मूंगफली डालेंगे। और इनको अच्छे से पकाएंगे, सुनहरा भूरा होने तक फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई कर लीजिए। ये 2 प्याज लिए हैं हमने और 3 हरी मिर्च लिए हैं, इनको भी फ्राई करेंगे। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक डालकर फ्राई करेंगे मसालों को। मसालों को अच्छे से पकाना है, बिल्कुल कच्चे नहीं रहें तब तक पकाएं। अभी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ढककर पकाएंगे। ये देखिए अच्छे से पक गया है हमारा मसाले और लहसुन प्याज। अभी इसके अंदर 4 ग्रीन ऑनियंस, हरा प्याज डालेंगे, 2 टमाटर डालेंगे और चलाएंगे इसको। इनसे फ्रेश ऑनियन है, फ्रेश, तो इनसे सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। ये देखिए हमारे टमाटर प्याज बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। अभी हम इसके अंदर बथुआ साग डालेंगे। ये देखिए पूरा 1 बाउल भर के हमने लिया है, बड़ा बाउल है, बारीक काट कर हमने इसको भर लिया और खूब सारा साग है बथुए का। बथुए का साग डालेंगे इसके अंदर और चलाएंगे धीरे धीरे। सारा एक साथ नहीं डालेंगे, धीरे धीरे चलाने के बाद बचा हुआ साग भी इसके अंदर डालेंगे। अभी बचा हुआ साग और डाल देते हैं इसके अंदर। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है बथुए का साग हमारा, हरा हरा फ्रेश। और फ्रेश वेजिटेबल्स की बात ही अलग होती है, और ऑर्गेनिक हो तो और भी अच्छा। ये देखिए थोड़ा पानी डालने की जरूरत नहीं है, बथुए में पानी होता है। ये थोड़ी सी 3 चम्मच मलाई डालेंगे, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। जब सब्जी बिल्कुल पक जाए तब डालें मलाई, और थोड़ी सी पका के इसको हम अलग निकाल लेंगे। ये लगभग हमारी सब्जी पक गई है, ये देखिए बिल्कुल बनकर तैयार है। ये लीजिए बिल्कुल रेडी है। ये लीजिए हमने साग को सर्व कर दिया। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, कितना प्यारा बना है हमारा साग। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार ज़रूर ट्राई करना।